यजीद, यजीद कितना बुरा, सारे गुनाहों का मजमुआ, मगर पैदा हुआ तो यजीद तो नहीं हो सकता। पैगंबर की हदीस है, कुल मौलूद यूलिदु अला फितरत इस्लाम भला के नबवाहु युहव्विदानहु और युनस्सिरानहु और युजव्विसानहु। अल्लाह हर बच्चे को इस्लाम पर पैदा करता, फितरत इस्लाम, बाय नेचर, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वो इस्लाम होता। वला के नबवाहु, लेकिन उसके बाप और मां या युहव्विदानहु या उसको यहूदी बना लेते हैं, और यू नस्राना हो या नस्रानी यानी क्रिश्चियन बना देते हैं, और यू जब वेसाना हो या मजूसी। पेरेंट्स का रोल यहां से शुरू हो। यजीद, यजीद का बचपना देखिए, यजीद अपने बाप के पास नहीं रहा था, उसका बाप भी कौन सा अच्छा आदमी था, लेकिन वो अपनी मां के साथ बचपने में रहा कई अरसे, शौहर बीवी में सेपरेशन था, हाकिम शाम मुआविया अलग रहता था दमिश्क में, अपनी इस बीवी को उसने उसके गांव भेज दिया था, और ये क्रिश्चियन फैमिली थी। ब्रादरान अहले सुन्नत के यहां आज भी फिका में है कि मुसलमान मर्द क्रिश्चियन औरत से शादी कर सकता है, वाइस वर्सा तो उनके यहां भी जायज नहीं। तो अब यह है कि वो क्रिश्चियन औरत वापस वहां भेज दिया, और उसका जो गांव था या उसकी जो कम्युनिटी थी, उनका प्रोफेशन था सिंगिंग एंड डांसिंग। अब ये पुराने जमाने में आजकल की तरह की टेक्निक तो थी नहीं, अगर आपको गाने सुनना है तो आपने एक मिनट झट से निकाला मोबाइल या ब्लूटूथ तो गाने सुने, तो वहां उस जमाने में सारे काम इंसान करते, तो सिंगर्स की बड़ी वैल्यू थी सोसाइटी में। मुसलमान औरतें आमतौर पर इस प्रोफेशन में आती नहीं थी, यही आती थी, तो अब इनको ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे गांव वालों का काम है अपनी सारी बच्चियों और बच्चों को ट्रेन करें, और फिर जब वो ट्रेन होके बड़े हो जाए तो उनको फिर इस्लामी दुनिया में स्कैटर कर दें, जाओ कमाओ। तो यजीद का पूरा माहौल था गाना बजाना, वो सुबह उठता है तो गाना सुनता है, वो रात को सोता है तो गाना सुनता है, वो माँ के पास आता है तो वो गाने की ट्रेनिंग ले रही होती है, वो नाना के पास आता है जो पूरी कौम का सरदार है तो वो नौजवानों को गाना सिखा रहा है, वो स्कूल जा रहा है तो वहां गाना सिखाया जाता है, वो शादियों में जाता है तो वहां गाना होता है, वो खुशी में जाए तो गाना होता है, वो गम में जाए तो गाना होता है। 8-10-12 साल तक ये यजीद का माहौल था। चुनांचे अक्सर मैं जुमला कहता हूं कि उस घर में यजीद बनते हैं जहां पे गाना बजाना होता हो। अपने घर को इससे बचाइए, फर्क याद रखिएगा, मैं म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गाने की बात कर रहा हूं। अरबी में म्यूजिक को कहते हैं मौसीकी और गाने को कहते हैं गैना। इस्लाम में गैना तो मुकम्मल हराम, म्यूजिक आधी हलाल है आधी हराम। अब क्या मैंने कह दिया वक्त नहीं, इसकी डिटेल कल जिस किताब का मैं रेफरेंस देने वाला हूं उसमें आपको मिल जाएगी। तो म्यूजिक काबिल कबूल है अगर हलाल वाली हो, और आधी से ज्यादा हलाल है, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि स्कूल के अंदर बाद जगह ये लेसन होते हैं या मोबाइल के अंदर रिंगटोन, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। सिंगिंग और डांसिंग ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां डांस का रवाज कम था लेकिन अब इतना बढ़ गया है कि मौला की विलादत 13 रजब के जश्न में धमाल डाला जाता। यह हराम है, लेकिन ये अच्छा, अब इसके अंदर सबसे अहम रोल औरत का होता, बच्चा तो उसकी गोद में, गोद में क्या, अभी तो उसके पेट में, आवाजें वो मां की सुन रहा है, असरात वो मां के ले रहा, तो अपने आप को इससे बचाइए।